ये है हमारा नीला आइलैंड। अभी ये फिलहाल नहीं, अभी इसका नाम चेंज करके शहीद द्वीप रखा गया है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब अंडमान निकोबार के विजिट के लिए आए थे, तब उन्होंने बदल कर इसका नाम शहीद द्वीप रख दिया। हम इस आइलैंड में बहुत ही सुंदर सुंदर प्राकृतिक सुंदरता देख सकते हैं। यहाँ हमें मोस्टली कोरल्स देखने को मिलेंगे। इस आइलैंड पर इस बीचेस पर सैंड बहुत ही कम है, कोरल से ही भरा हुआ है। और यहाँ का जो सैंड है वो वाइट कलर में होता है। हम बाकी बीचेस में देख सकते हैं कि वहाँ का सैंड कुछ येलोइश टाइप का रहता है, बट यहाँ का जो सैंड है वो बहुत ही वाइट कलर में रहता है, बहुत ही वाइट रहेगा, प्योर वाइट। यहाँ का नहीं, और एक आइलैंड है अंडमान में, हैवलॉक आइलैंड, उसका भी जो सैंड है, रामनगर बीच बोलते हैं, वो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट बीच है। और वहाँ का जो सैंड है वो भी येलो टाइप का है। आप यहाँ पे सी कुकुम्बर भी देख सकते हैं, जो ये कोरल्स के नीचे बीच में जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, वो हमारा सी कुकुम्बर है। ये ज़्यादातर वही मीन्स कोरल्स के बीच में रहता है, कोरल्स के बीच में रहता है, वहीं पर मतलब अपना घूमता फिरता वहीं रहता है। और भी हमें छोटे छोटे मैमल्स जो पानी में रहते वाले वो सब दिखेंगे, बट जब हम लोग पानी के अंदर जाके जो कोरल्स देखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टे करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे रिसॉर्ट है और उसकी सर्विसेज भी बहुत ही अच्छा है, आप आराम से स्टे कर सकते हैं। आपको जिस टाइप का रहना है, जैसा कंफर्टेबल है, उस तरह भी रह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ के जो हैं, जो लोकल पीपल्स हैं यहाँ के, उस लोग मोस्टली वेजिटेशन पर ही मीन्स निर्भर है। बहुत तरह का वेजिटेशन होता है, बहुत ही, ये जो सीन देख रहे हैं आप, ये देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। इसे बहुत ही सुंदर दिखता है, जब आप इसे सामने से देखेंगे ना तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। आप यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हैं, मीन्स स्विमिंग के लिए भी बेस्ट है, शैलो वाटर है। बहुत से टूरिस्ट मछलियाँ देख सकेंगे, बहुत ही कलरफुल रहते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं मछलियाँ।